देखते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राइल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू मार्केट और बहुत ज़्यादा लेट हूँ तो मैं आ चुकी हूँ अपनी सिस्टर के घर, अपनी बहन को अब लेकर और अपनी नीस को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो माय नीस। व्हाट्स योर नेम? से हुमो, से हाय, से हाय। हेलो, तो अभी हम लोग जाएंगे कहाँ? हाँ। बाहर? हाँ। क्या करने? बोलो, शॉपिंग। हाँ, शॉपिंग करने जाएंगे। मैं हर बार शेयर करती हूँ, मैं इस बार कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगी न्यू मार्केट पूरा, क्योंकि मुझे आज शॉपिंग करनी है बहुत ज़्यादा। तो मैं पूरा न्यू मार्केट, पूरा स्प्लैनेट घूम कर शॉपिंग करती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी। नाउ लेट्स गो। तो ये कुर्ता तो आप लोगों ने पहले भी देखा है, मैंने अपने बर्थडे में पहना था। मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा लुक, मैंने क्या पहना है। तो यहाँ पे अच्छी लाइट आती है, मैं यहाँ पे रख कर यहाँ देखो, बोलो हाय फ्रेंड्स। प्लीज लाइक लाइक एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब बोलो सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, हाय करो कैमरा में, देखो बोलो हेलो फ्रेंड्स। गाइस, तो जैसे कि आपने देखा हम निकल चुके हैं, लेकिन हम अभी डायरेक्टली इस प्लैनेट नहीं जा रहे हैं। उससे पहले हमें जाना है हाजरा, वहाँ के एक हॉस्पिटल में हमें पूछना है कि वहाँ पे कोविड टेस्ट होता है या नहीं। तो अभी आप सोच रहे होंगे मुझे कोविड टेस्ट क्यों करवाना है। तो मुझे कोविड टेस्ट इसलिए करवाना है क्योंकि मैं जा रही हूँ दुबई। यस गाइस, मैं दुबई जा रही हूँ। और वहाँ पर क्यों जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ, कितने दिन के लिए जा रही हूँ, ये सब मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद ही बताऊँगी। तो अगर आप सच में जानना चाहते हो तो स्टे ट्यून विथ माई वीडियोस। इधर का काम हो जाएगा, उधर से मेट्रो पकड़ के वहाँ जाकर निकल जाएंगे।
ओके गाइस, तो अब हम फाइनली हाजरा पहुंच चुके हैं एंड हॉस्पिटल में जाकर देखते काम बनता या नहीं। मैं हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी हूँ। तो हम गए और हमारा काम नहीं हो पाया, वहाँ पे आउट पेशेंट नहीं ले रहे हैं, तो पूरी बात हम घर जाकर आपको बताएंगे। फिलहाल तो काम नहीं बना, तो अब हम डायरेक्टली शॉपिंग जाएंगे, तो हमारा शॉपिंग का प्लान ऑन है, सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो आपको तो मैंने बताया ही कि मुझे हॉस्पिटल क्यों जाना था। तो वहाँ पर हमने पूछा कि वहाँ कोविड टेस्ट होता है या नहीं, लेकिन वहाँ पे कहा गया कि नहीं, अगर मतलब ट्रीटमेंट करवाना हो तो वहाँ पर होगा, अदरवाइज़ आपको सिर्फ टेस्ट करवाना है तो नहीं होगा। तो फिर मम्मी ने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं, तो हम यहाँ पर खाने आ गए हैं। उसके बाद मम्मी घर आ जाएंगी और हम और मेरी मतलब मैं और मेरी बहन हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने, तो देखते रहो। आ गए थोड़ी देर के लिए जतिन दास पार्क। होमू को बहुत पसंद है बाहर आना और इसका हाथ छोड़ो तो ये दौड़ने लगती है, तो मम्मी ने बोला कि थोड़ी देर इसको छोड़ दो, इसको दौड़ने दो, इसको खेलने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको बाहर लेकर नहीं आते हैं। तो देखो ज़रा सा हाथ छोड़ा तो कितनी दूर भाग गई है और सिर्फ भागती रहती है, इसलिए इसका एक सेकेंड के लिए भी इसका हाथ नहीं छोड़ते हम लोग। तो इस तरह से मस्ती कर रही थी, ये देखो। जाओ, बाय। दोस्त प्लैनेट, दोस्त प्लैनेट कार्ड लेना होगा, स्मार्ट कार्ड। तीन नंबर किस चीज का कार्ड है? कार्ड है, कार्ड लेना होगा। कार्ड कितने में? ऐसे नहीं जा सकते, टोकन नहीं देंगे आप पैसे देंगे तो? यही टोकन है। हाँ तो मतलब ऐसे हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं? डायरेक्ट ही जाएंगे, इससे जाएंगे, टोकन की जगह पे स्मार्ट कार्ड लेना होगा। लेकिन स्मार्ट हम लोग को तो आना जाना नहीं है बिल्कुल, एक दिन आ गए बस आज, हम इसमें कुछ मदद नहीं करते। अच्छा कितने में मिलेगा? 100 रुपए। ओ माय गॉड, ऐसे नहीं जा सकते, मेट्रो से जाना होगा, कार्ड लेना होगा। तो पर पर्सन का ये कार्ड या सबके? एक कार्ड, एक पर्सन। बहुत दिनों बाद मेट्रो ट्रैवल करने के लिए आई थी, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था यहाँ पे क्या न्यू सिस्टम आया है। तो यहाँ पे एक नया ही सिस्टम आया है कि आपको 100 रुपये में कार्ड लेना होगा, आप टोकन सिस्टम में नहीं जा सकते। तो अब हम लोग देखते हैं कि टैक्सी लेंगे या बस लेंगे, देखते हैं क्या इजी होता है। एंड गाइस, वीडियो बनाओ तो मतलब सब ऐसे शक्ल देखते हैं कि मुझे वीडियो बंद करना पड़ता है। और इस बार का मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन यही था कि मैं रोड में ऐसे आराम से चलते हुए वीडियो बना पाऊँ। आपको कितना मेरा आवाज़ पहुँच रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन शायद पहुँचेगा। तो मैं आज ऐसे ही रोड में बात करने वाली हूँ, मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, बट आई विल ट्राई। सो दोबारा हम टैक्सी में बैठे हैं, जा रहे हैं प्लैनेट। Yeah.
से आज कुछ ज्यादा टायर्ड हो जाएगी। प्लैनेट जाते उसको गोद ही ले लेंगे क्योंकि वो इतना ज्यादा भी नहीं चल सकती है, भी छोटी है, बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया है ना वो एंजॉय कर लिया ना, हम तो आज इतना घूमे ना बेटा। हाय नंदा रखो मोमो, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो बैठ जाओ ना, वो बैठ जाओ ना। खूबसूरत नज़ारा देखकर, इतने प्यारे व्यूज़ देखकर हम पहुंच चुके हैं स्प्लैनेट। और स्प्लैनेट पहुंचते ही हम सबसे पहले रिलायंस ट्रेंड जा रहे हैं, यहाँ की कलेक्शंस हमें बहुत पसंद आती है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 50% 30% ऑफ हमेशा चलता रहता है, और आज तो मतलब 62% तक ऑफ था, तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हम आज आए हैं और अभी भी चल रहा होगा वो। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कलेक्शंस मिलते हैं, आप देख सकते हो लाइक वेस्टर्न एथनिक ड्रेस स्टाइल, आपको टी शर्ट्स, पैंट्स, जीन्स और आपको कुर्तीज़। और इसकी क्वालिटी पे तो कभी शक किया ही नहीं जा सकता, क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है इस मॉल में। और शॉपिंग करते करते हमें टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहा, और 4:30 बज गए तो हम फटाफट वहाँ से रैप अप करके निकल गए। और वहाँ बाहर निकल के एक चिकन की शॉप थी, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे डिशेस मिल रहे थे, तो हम यहाँ पर कुछ देर खा लिए अपना, बहुत भूख लगी थी। एंड फिर हम आ गए हमारी स्ट्रीट शॉपिंग की ओर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है, जैसे कि मैं हर अपने वीडियो में बताती हूँ और जब भी मैं आती हूँ आपको भीड़ दिखता ही है, तो यहाँ पे हमेशा ही इतनी भीड़ रहती है। तो स्टार्टिंग रेट ही आपको एंटर करते ही पता चल गया, 50-50 बता रहे थे वो लोग। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी उनका शॉप में, टी शर्ट वगैरह, और आई नहीं सॉरी जैकेट 50 रुपये में मिल रहा था, तो बहुत अच्छा था। उसमें से अगर आप ढूंढोगे तो आपको अच्छा क्वालिटी का भी मिल जाएगा। फिर हम चल पड़े आगे क्योंकि हमें आगे थोड़ा ज़्यादा काम था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेडी बेयर्स वगैरह है ये देखो। फिर यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे 250 में कुर्तीज़ मिल रहे थे, उसके बाद हम हेयर एक्सेसरीज शॉप में गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। ये सब रबर बैंड्स कैसे दे रहे हैं? 10 रुपये पर पीस, 10 रुपया। क्या हुआ भैया? अच्छा लग रहा है वो, नहीं वो इतना खास नहीं, ये और ये सब अच्छा, येलो नहीं जा सकता, ये भी अच्छा लग रहा है, ये दे दे। क्या लियो दिखाओ, क्या है वो, क्या है वो, क्या है ये, क्या है इसको क्या। फिर यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे अच्छे शूज है, स्टाइलिश है, और गाइस क्वालिटी भी अच्छी रहती है, एंड आपको सिर्फ 150-200 के अंदर में मिल जाएंगी। फिर हम आ गए हैं जैकेट के दुकान में, तो यहाँ पे मैं आपको रेट पूछ कर बताती हूँ। कैसे मिलेगी जैकेट? जैकेट आपका 500 का है, ऊपर वाला आपका 450 का है। 450 तो रेट है 400-500 तक आपको, और बार्गेन करने से आपको और भी ज़्यादा सस्ते में मिल जाएंगे, 300 तक मिल जाएंगे। और काफ़ी अच्छे अच्छे जैकेट्स थे। एंड फिर हम आए हैं और ज़्यादा शूज़ देखने, मतलब जिस तरह की शॉप्स वन बाय वन आ रहे थे मैं उस तरह की क्लिप्स लेते जा रही थी।
एंड ये देखो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के शूज़ है, फिक्स प्राइस लिखा है लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि बार्गेन कर पाओ क्योंकि ये लोग हमेशा आपको ज़्यादा ही रेट बताते हैं। ये नेल पॉलिशेस कैसे करके? 20 रुपीस चल। अच्छा 20 रुपीस। अच्छा देखो सो यहाँ पे आपने देखा कि नेल पॉलिश का उन्होंने 20 रुपीस बोला और सच में गाइज नेल पॉलिश बहुत अच्छी थी एंड मैंने ये वाली कलर ली है, मैट है ये और 20 रुपीस में मुझे मिल गई तो मैंने ले लिया और मैट नहीं था उनके पास में तो मैंने नहीं लिया और नेल पॉलिशेस। और फिर वो मुझे मेरी बहन को न्यूड लिपस्टिक्स दिखाने लगे तो ये लिपस्टिक्स जो है 100 रुपीस की है, आप कोई सा भी लिपस्टिक लो 100 रुपीस का ही है। तो आप देख सकते हो इतना प्यारा प्यारा मैट शेड है। फिर मैंने स्पॉन्ज चेक किया था तो स्पॉन्ज का एक दो स्पॉन्ज सॉफ्ट था बट वो बड़ा वाला जिससे फाउंडेशन लगाते वो इतना सॉफ्ट नहीं था तो मैंने नहीं लिया। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी स्टाइलिश और ट्रेंडी शूज़ हैं, कलरफुल एंड सो अमेजिंग, दिखने में कितना खूबसूरत और कितना मतलब यू नो क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है दिखने में। और इनके प्राइजेस लगभग 400, 500, 800 ये सब प्राइजेस थे लेकिन अगर आप बार्गेन करेंगे तो आपका ठीक ठाक रेट में लग जाएगा। तो आप देख सकते हो और भी कितने सारे पार्टी वेयर शूज़ और सैंडल्स है, मतलब बहुत खूबसूरत और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है। एंड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी मैं सारे क्लिप्स लेते जा रही थी और रात का टाइम हो गया था एंड हम बहुत ही रश में थे कि मतलब घर जाना था जल्दी और हमें एक ही दिन में सारी शॉपिंग करनी थी क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है मेरे पास में। एंड यहाँ पे कुछ स्लिंग बैग्स थे तो इनका प्राइस उन्होंने बताया था 250 और हाँ 250-350 तक आपको मिल जाएगा लेकिन आपको बार्गेन करना है। यहाँ पे थे कुछ स्टोरेज बॉक्सेस जिसकी मुझे सच में इस वक्त ज़रूरत है और तो मैं यहाँ पे देख रही थी स्टोरेज बॉक्सेस। इस वाले में आपको 5 बॉक्स मिल जाएंगे और भी बहुत अलग अलग तरह के इनके पास में थे और खूबसूरत वाले भी थे, उनका प्राइस शायद थोड़ा हाई होगा बट ये जो मैं देख रही थी ये वाला इसका प्राइस था 250 शायद तो हम इसको 160 में लिए। और फिर गाइस यही थी मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग क्योंकि मैंने बताया कि बहुत जल्दी में थे तो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया और फटाफट जो जो ज़रूरतें थी वो लेकर मैं घर आ गई। सो गाइस यही थी मेरी आज की बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे और रात हो गया था, मैं आपको सुबह का क्लिप दिखा रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके गाइस तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।